नमस्कार, बंसीधर न्यूज की ओर से खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। गढ़वा में तृणमूल कांग्रेस के जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के भावी प्रत्याशी मनीष कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। इस विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोगों का रणनीति पूरी तरह से अपना पूर्ण हो चुका है। पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष कुमार सिंह ने कहा, यह क्षेत्र बरसों से उपेक्षित रहा है, गरीबों को लूटा गया है, राजनीतिक पार्टियां और जनप्रतिनिधि केवल अपना विकास करने में लगे रहे हैं। झामुमो की ओर से कल रांची में आयोजित बदलाव यात्रा में भाग लेने के लिए आज श्री बंसीधर नगर से कई झामुमो के कार्यकर्ता और नेता रांची रवाना हो गए। झामुमो के वरिष्ठ नेता कन्हैया चौबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता आज रांची चौपन एक्सप्रेस से रांची के लिए प्रस्थान किए। हम चल रहे हैं रांची, क्यों आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए यहाँ का हमारा स्थानीय विधायक जो है इन केन प्रकेन अपने कुकर्म के द्वारा, अपने पापों के द्वारा यहाँ के जनता को मरमाहत कर रखा है। उस मौके पर कन्हैया चौबे ने कहा कि यह बदलाव यात्रा प्रदेश की निकम्मी रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकने एवं स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही को बदलने के लिए आयोजित की गई है। इसके पूर्व झामुमो नेता जुलूस की शक्ल में रेलवे स्टेशन पहुंचे। जुलूस में शामिल झामुमो नेता सरकार एवं विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। श्री बंसीधर नगर अनुमंडल के नव पदस्थापित SDPO अजीत कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले आज मैं बैंक से हूँ। हमारी प्राथमिकता है कि क्राइम कंट्रोल में किसी तरीके का कोई अवैध कार्य नहीं हो पाए। पदभार ग्रहण करने के बाद SDPO ने कहा कि श्री बंसीधर नगर अनुमंडल में अमन चैन एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ लोगों को न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। SDPO ने कहा कि अनुमंडल में अपराध और उग्रवाद पर नियंत्रण के साथ साथ सभी तरह के अवैध धंधों पर भी नियंत्रण होगा। आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराना भी प्राथमिकता है। उन्होंने इसके लिए सबसे सहयोग की अपील की। नजदीक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न मेरी प्राथमिकता है। आज जनादेश यात्रा पर गढ़वा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार पर बोला हमला। कहा, भाजपा ने झारखंड वासियों को विकास के नाम पर ठगने का काम किया है। विधानसभा का चुनाव है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, इसलिए हम जनता से ही जनादेश मांग रहे हैं। जनता से जनादेश मांगने के लिए पूरे प्रदेश में जनादेश है। बाबूलाल मरांडी ने आज गढ़वा जिले के जाटा, मेरार और डंडई में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा भ्रष्टाचार मुक्त समृद्ध झारखंड बनाने के लिए वे सबों का आशीर्वाद और जनादेश तथा सहयोग मांगने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की रघुवर सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। भाजपा ने झारखंड वासियों को विकास के नाम पर ठगने का काम किया है। अब चुनाव का समय आया तो मुख्यमंत्री लोगों को रिझाने के लिए विकास की बातें कर रहे हैं, परंतु दूर दूर तक जमीनी स्तर पर विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं आप सब लोगों से जनादेश मांगने के लिए आया हूँ। श्री बंसीधर नगर शहर के चेचरिया में BSNL एक्सचेंज के पास से आज एक बाइक सवार उचक के पारा शिक्षक से 61,500 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना आज शाम 5 बजे की है। पीड़ित पारा शिक्षक दीनदयाल पांडेय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंगरदह में कार्यरत हैं। वे मंगरदह गांव के रहने वाले हैं। पारा शिक्षक दीनदयाल पांडेय के मुताबिक वे घर में निर्माण कार्य के लिए आज SBI से 50,000 एवं बनांचल ग्रामीण बैंक से 10,000 कुल 60,000 रुपए निकालकर अपने पास के 1,500 रुपए झोले में रखकर साइकिल से अपने घर जा रहे थे। घर जाने के दौरान उनका साइकिल पंचर हो गया। वे चेचरिया में अपने मित्र पारा शिक्षक के यहाँ चले गए और साइकिल बनवाने लगे। इसी बीच पहले से घात लगाए दो उचक्कों ने अपाची बाइक से पीछा कर उक्त साइकिल में लटकाए गए झोले को लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर SDPO अजीत कुमार एवं थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि उचक्कों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।